अरदास दा स्वरूप बेटा जी, अरदास दा अध्यात्मक पद्धर ते कोई स्वरूप नहीं है, ये विलकनी है, शब्दों की मोहताज नहीं। एक हरगोबिंद साहब वेले एक साखी आती है ना, एक माता गा रही है वो तेरे वर्गा ना पापी दात्या मेरे वर्गा ना बख्शन हार जी, सुनिए साखी। छेवें पातशाह दे वेले एक बीबी इदां गा रही है खड़ी संगत विच, कहिंदी तेरे वर्गा ना पापी दात्या मेरे वर्गा ना बख्शन हार जी, मेरे वर्गे जाके हलूड़े वो बुढ़िया की बोली जानी है तू। हरगोबिंद साहब मुस्करा पे, कहिंदे सिखा चुप कर जा, इहनूं बोलण दे जो बोलदी है। कहिंदे जिथों ये बोलती है ना उत्थे पहुँचना बड़ा औखा है। सतगुरु बड़े बेअंत ने, इहदा मतलब ये नहीं गुरबाणी गलत पढ़नी शुरू कर देनी है, नहीं नहीं इदा नहीं, गुरबाणी शुद्ध पढ़नी है, गुरबाणी प्रेम नाल पढ़नी है, गुरबाणी भिजी बिरती नाल पढ़नी है। पर परमात्मा कुछ होर वेखदा है, परमात्मा रूह का प्यार वेखदा कि मेरा सिख भिजिया किन्ना होया, मेरा सिख गड़ूंद किन्ना मेरे प्यार विच। सो अरदास शब्दां दी मोहताज नहीं है, अरदास तां बिलकणी है, रूह की बिलकणी है। हजरत मूसा जी एक दिन तुरे जा रहे सन जंगल दे विच, ते एक आजड़ी बैठा सी, ते बैठा गल्लां करे रब नाल, कहिंदा रब बेचारा गरीब है पर रब नूं प्यार बहुत करदा है, रब तू मैनूं कितें मिल पाए ना, मैं तेरे सारे कपड़े मलमल के धो दवा, तेनूं सब नवा देवां। मेरा इह वरतांत मिलदा मूसा जी दे इतिहास विच जीवन विच, कि रब्बा तू मैनूं कितें मिल पवे, मैं तेरे सारे कपड़े मलमल के धोऊंगा, मैं तेरियां लत्तां घोट दूंगा, तू थकिया होवेगा, मैं तेनूं बकरियां दुध चो के पिलाऊंगा। कहिंदे मूसा जी कोल दी लंघ रहे, उन्हें चपेड़ मारी कढ के, ओए तू कितों जंप गया, रब के कपड़े धोन वाला, रब नूं कहड़ी मैल लगी है। तो मूसा जी के इतिहास लिखे है, कहिंदे आकाशवाणी होई, कहिंदे मूसिया तेनूं मैं रब नाल जोड़न नूं कहा सी, तोड़न नूं तां नहीं कहा सी। तो मूसा जी कहिंदे की हो गया मेरे कोलों, वो कहिंदे भलिया पुरशा तां पहले ही जुड़िया बैठा, तू मूँह ते चपेड़ मारी, ये मेरे कपड़े भी धो सकदा है, मैं इहदा बकरियां दा दुध भी पी सकदा है। सो बेटा जी एक प्यार है, ये विलकणी है, ये शब्दों में नहीं बजी जाती। एक कश्मीर की बुढ़ी माई की गल सुनी है, उन्हें एक ना सोहना जिहा कादा बेचारी बुढ़ी सी, गरीब सी, कोई बहुते पैसे भी नहीं, पर बड़े प्यार दे नाल जिन्ना को दा वस विच सी ओह जे सधारण कपड़े का उन्हें एक चोला तैयार किया। तुर नहीं सकती, बजुर्ग सी, ते मन विच ये चा सी कि मेरा ये चोला जिहड़ा मैं अपने हत्थी तैयार किया है ये हरगोबिंद साहब आके लै लैन ते पहन लैने, बड़ा प्यार से। ते इतिहास लिखिया मिलता है जदों गुरु हरगोबिंद साहब नानक मते गए ना, उत्थे सिद्धा ने एक दरख्त सुका दिता सी गुरु नानक साहब दे वेले दा, हरगोबिंद साहब ने उत्थे केसर दे छिट्टे मारे ते उन्हूं हरिया कीता, अज भी वह उत्थे दरख्त सानूं मिलता है। उत्थे सतगुरु विराजमान ने, तो उधर कश्मीर बैठी वो बुढ़ी माई बेनतियां कर रही है कि हरगोबिंद पातशाह मैं तो उठ के नहीं जा होना तेरे को, आ मैं तिल फुल चोला तैयार किया आके प्रवान कर लै। तो भाई वीर सिंह ने बहुत प्यारा लिखा है, कहिंदे हरगोबिंद साहब वो नानक मते की धरती पर बैठे, तो सिखा नूं कहिंदे चाले पाओ भी कश्मीर जाना है, घोड़े कढ़ो, तैयारियां करो, कमर कसे करो, कश्मीर पहुँचना है। सिख कहिंदे की हो गया, सतगुर कहिंदे वो माता बड़े प्यार नाल विलकणी रूह दे विचों गा रही है, उन्हें चोला तैयार किया, माता का चोला प्रवान कर रहा है, क्या बात है। देखो सतगुर तो घट घट दी जानता है, पट पट दी जानता है, दिलां दिलां दी जानता है, भले बुरे की पीर पछाणत। एक होर हरगोबिंद साहब दे वेले दी साखी है, किसी बच्चे की माता ने अपने बच्चे नूं एक गल कही कि बेटा हरगोबिंद साहब जानी जान ने, जदों याद करो उत्थे ही पहुँच जाते हैं। बुढ़ी माई ने याद किया कश्मीर जा पहुँचे। होर बहुत साखियां ने, होर पातशाहां दियां भी बहुत ने, हरगोबिंद साहब तो बिना बाकी पातशाहियां दियां भी इहो जिहियां साखियां सानूं मिलदियां ने, संगतां याद करदियां ने, गुरु प्यारे बेबल हुंदे ने, सतगुर निहाल कर दिंदे ने जाके। ते माता अपने बेटे नूं कह रही है, जिवें अनभोल मन हुंदा, अनभोल मन ही परमात्मा दा प्यार प्राप्त करदा है। तो वो बेटा अपनी माँ नूं कहण लग्या, माता जी
जे मैं याद कर लिया हरगोबिंद साहब हुणे ही आ गए, मैं गुरु साहब नूं भेट की करांगा, माता मैनू कुछ दे दिओ, भेटा देनी है गुरु जी नूं जे आए तां। गरीब सी माता ने सोचिया भी बच्चा हुण जुड़ गया, इहनूं की कहां, घर विच की है। देखिया तां गुड़ दी ढेली पई है, वो ढेली माता ने अपने पुत्र नूं फड़ा दित्ती, कहिंदे पुत्र आ लै फड़, हरगोबिंद साहब आ गए तां ढेली दे दी। कहिंदे वो बच्चे ना अपने पल्ले नाल बन लई, ते पल्ले नाल बन लई ते इतिहास विच लिखिया है वो बच्चा आवाज़ मारिया करे हरगोबिंद साहब आ जाओ, मैं गुड़ बन्नी बैठा पल्ले नाल। कहिंदे कई दिन ते कई महीने लंघ गए, गुरु साहब ना आए, तो बच्चे का ना ही उन्हें पल्ला पै गया, लोग उन्हें पल्ला ही कहन लग गए। एक दिन वराग में आया, पैड़ियाँ खड़िया नेत्र भर ले, कहिंदे हरगोबिंद पातशाह आ जाओ, हुण तां लोग मैनू पल्ला ही कहन लग गए ने, क्योंकि याद ही अज किया ना, अंदरों पकड़ मजबूत ही अज हुई सी। सतगुरां ने संगा नूं कहा चलो भाई पल्ले कोल गुड़ की ढेली लैके आनी है। बच्चो इदां गुरु प्यार करदा है, गुरु जे लेट हो रहा है गुरु साड़ी बेबलता साड़ा प्यार साड़ी नेड़ता वधा रहा है, तो जो साड़ी नेड़ता एक क्लाइमैक्स ते पहुँच जाती है असी हाक मारदे हां गुरु कोले ही हुंदा है, गुर मेरे संग सदा है नाल ही नाल नाल ही है, पर वो प्रगट हो के तुहाडे सिर दे उत्ते हाथ उदों रखदा तुहानू साक्षात हो के उदों दिखाउंदा जदों असी गुरु नू सचमुच इन्ना नेड़ियों भिज के हाक मार लैंदे आ, फिर वो कोल आ खड़ोंदा। सो ये अरदास दा एक सरूप है, एक विलखणी है। आत्म परगास